एसएससी चीफ है, उनसे जब पूछा गया भैया ये पेपर कैसे लीक हो गया, उन्होंने बताया टेक्निकल ग्लिच है। अब ये टेक्निकल ग्लिच इतनी बड़ी है कि पूरा पेपर लीक, हर जगह नकल हो रहा है, जो पता नहीं चल रहा है। एसएससी के एक एग्जाम में टेंटेटिव वैकेंसी आई 3000, जिसमें सीएचएसएल का एग्जाम जो था, और यूपीएससी ने एक जगह रेड डाला गादी विहार से, तिमारपुर में है, गादी विहार से काफी लोग हैं यहाँ पे, तो गादी विहार से एक ग्रुप को पकड़ा और यूपीएससी की रिपोर्ट में है कि इन लोगों ने 4500 लोगों का नकल करवा चुका है, 4500 लोगों के नकल हो चुके थे और वैकेंसी थी 3000। तो ये चीटिंग की स्थिति है एसएससी में। जो पुराना था एसएससी आंदोलन हुआ, हम लोग शुरू में स्टार्ट किए, बाद में अनुभव भैया लोगों का सहयोग मिला तो आंदोलन और बड़ा हुआ। उस एसएससी में जो एसएससी चीफ है, लड़कों की सबसे बड़ी नाराजगी थी कि ये पुराना को हटाओ। मोदी को गाली नहीं देते थे वहां लोग, लड़के ये गाली देते थे हम लोग कि भाई पुराना को हटाओ, यही कर रहा है, इसी से चल रही। और जब हम लोगों ने उससे आरटीआई के थ्रू हम लोगों ने पता किया तो पुराना साहब की एक तो एक्सटेंशन दिया गया, वो गड़बड़ था, वो रिटायर हो गए थे, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया, हटाने के बजाय उनको एक्सटेंशन मिला। और जब हम लोग आरटीआई और बाकी चीजों से पता किए तो पता चला कि उनकी जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो भी गलत हुआ था। इसमें शायद अनुपम मेरा और अच्छे से बता सकेंगे, इससे केस नहीं हुआ है, इससे बताया। रेलवे की परीक्षा में जो टेक्निकल ग्लिच एसएससी के एग्जाम में हो गया कि ऑनलाइन पेपर था और जो सबके पास जो वायरल हो रहा था वो ऑफलाइन फॉर्मेट में पीडीएफ वायरल हो रहा था। इसी तरह रेलवे के एग्जाम में टीसीएस एग्जाम करवा रही है और सारा पेपर ऑनलाइन हुआ, ग्रुप डी का, जो इन लोगों का अभी तक का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 2,37,00,000 अप्लीकेंट थे उसमें और वैकेंसी के रिक्त 8,000 थे। इस एग्जाम में सारा पेपर ऑनलाइन, लेकिन एग्जाम होने से पहले और उसके बाद भी पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा पेपर, हालांकि आंसर भी आने के बाद सबके पास पेपर होना चाहिए। एग्जाम वाले दिन हम लोगों के पास पेपर आया युवा हल्ला बोल के पेज पे और व्हाट्सएप के थ्रू हेल्पलाइन नंबर पे कि वो पूरा पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में, ऑनलाइन पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट केवल वही अथॉरिटी निकाल सकती है जो उसको होल्ड करती है, जैसे टीसीएस है, वेंडर है, वही उसी के पास होगा पूरा पेपर, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। जबकि पूरे मार्केट में, पूरे सोशल मीडिया में हर जगह वायरल थी। ये थी रेलवे की बात। और जो डीएसएसपी है, जो मेन इश्यू है डीले वाला, तो डीले आप कितना समझ सकते हैं, कोई वैकेंसी अगर होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो हमारे डीओपी टीम निश्चित करती है 6 महीने में वैकेंसी पूरी हो जानी चाहिए। और डीएसएसपी की हालत ये है कि 2009 की वैकेंसी है डास ग्रेड 2 दिल्ली सबॉर्डिनेट का, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिसपे रिक्रूटमेंट, डास ग्रेड 2 में 2009 की वैकेंसी है, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। 2013 के करीब 30 से ज्यादा एग्जाम है जिसकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और मतलब एग्जाम नहीं हुआ, तो एग्जाम में 30 से ज्यादा एग्जाम नहीं हुआ। हम लोगों ने